रेगुलर जब बेल पिटीशन पर सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ, क्या लालू यादव को जमानत? पिछला बार 19 फरवरी 2021 को हमारा बेल पिटीशन रिजेक्ट किया गया था, ये कहते हुए कि हम लोग 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ सेंटेंस है। हम लोग ने 6 अप्रैल को उसे कंप्लीट कर लिया है, वही हम लोग का आधार था बेल का कि हम लोगों ने हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, अब हमें बेल दिया जाए। माननीय न्यायालय के द्वारा इसे माना गया, हम लोग को बेल ग्रांट किया गया है। कंडीशन ये इम्पोज किया गया कि 1,00,000 का 2 सुरेटी हमें देना है और 5,00,000 रुपये मतलब कि 10,00,000 रुपये फाइन डिपॉजिट करना है, और अगर हमारे पास कोई पासपोर्ट है तो उसे हमें सरेंडर करना है, चूँकि हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, हम लोग पहले भी दूसरे केस में भी दे चुके हैं, तो बस यही कंडीशन के साथ हमें बेल गए। ये कौन सा मामला था और इसमें कितनी की सज़ा हुई थी? देखिए, ये RC 38A of 96 जो कि दुमका ट्रेजरी से है, और इसमें हमें सजा IPC के सेक्शन में 7 साल और PC Act में 7 साल की सजा हुई। और इसके अलावा जो अन्य, देखिए रांची में एक अंडर ट्रायल मैटर और है, RC 47 है जो कि डोरंडा ट्रेजरी से, वो अभी अंडर ट्रायल है और प्रेजेंट कोविड सिचुएशन को देखते हुए अभी तो कोर्ट में रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है, जब चालू होगा तो उसके बाद आगे इसे प्रोसीड करेंगे। कितने, क्या उम्मीद लगी रही, कितने दिन में बाहर आ जाएंगे? देखिए, अभी जितना जल्दी फैक्स आ जाता है हाईकोर्ट से उसके बाद यहाँ बेल बॉन्ड फिलअप करेंगे, तो उम्मीद किया जा सकता है 5 दिन 4-5 दिन। चलिए।